2016, question number 8, quote, Max Weber said that it is not wise to apply to public administration the sort of moral and ethical norms we apply to matters of personal conscience. It is important to realize that the state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality. Unquote. Critically analyze this statement. अब जो मैक्स वेबर का कहना है वो बिल्कुल सही है कि हम लोग आग बंद करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हम लोग रूल्स और नॉर्म्स लगाते हैं वो हम सीधे पर्सनल वाले लेवल से ना उठाएं। अब पर्सनल वाले लेवल पे लॉयल्टी, एकोमोडेशन, हर तरह की चीज़, ट्रस्ट वर्दीनेस बात की चीज़ की बात होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की, ये स्टेट ब्यूरोक्रेसी की अपने खुद के अंदर कुछ ज़रूरतें हैं। अब ऐसा समझिए कि आपके पास एक चाबी है मास्टर की, वो सारे ताले खोल देती है लेकिन एक ताला नहीं खोल पाती, और अब आप वो ताला तोड़ भी नहीं पा रहे हो, तो अब आप उसको, आपको उस ताले की चाबी चाहिए होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप तोड़ के खोलोगे सीधे। तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक चाबी है एथिक्स की, लेकिन वो पर्सनल लेवल पर जाके नहीं रुकती है। पर्सनल लेवल से ना हम वहाँ से कोई क्यों ले सकते कि भाई ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, क्यों? क्योंकि ज़रूरत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपने आप में। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और पर्सनल ज़रूरतें सेम होती तो शायद हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा है नहीं। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स हाउ यू कैन एग्जामिन और एनालाइज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट।